तो गाइस अभी हम हैं मसौड़ी पर, जोहर ब्रिज है वहीं के वहीं पे, पुल पे। देखिए यहाँ से जो ब्रंची पर रोड जाती है वो वाली है, और इधर से आपको मसौड़ी मार्केट जाना होगा। नीचे से दोनों तरफ से एक ठो लेन दिया गया है पुल के नीचे नीचे आपको मार्केट जाने के लिए। तो चलिए यहाँ से आपको अपडेट करते चलते हैं। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए, गौर से सुनिएगा। अगर आप मसौढ़ी, नदमा या छोटकी मसौढ़ी के आसपास के रहने वाले हैं, या मोटा मोटी मसौढ़ी से आप 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हैं, और अगर आपको किसी खेत से मिट्टी कटवाना है, तालाब पर खुदवाना है, या आप चाहते हैं कि आपका खेत ऊँचा है उसको मिट्टी कटवा के नीचा करवाया जाए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए अपना नाम और नंबर के साथ, और ये भी अपना एड्रेस जरूर लिखिए कि आप मसौढ़ी के किस एरिया से बिलोंग करते हैं जो 7 से 6 किलोमीटर के दायरा में पड़ता हो, और उस ज़मीन का जो मिट्टी कटेगा उसको आपको उचित रेट दिया जाएगा, और आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पर आपको बात करके अपना रेट फाइनल करना है। और JCB से जो खुदाई होगा वो 1.5 फीट गड्ढा खोदा जाएगा, और पोकलैंड से जो होगा वो तकरीबन उससे थोड़ा ज़्यादा गड्ढा किया जाएगा। बाकी जो विशेष जानकारी के लिए आपको जो एक नंबर दिया जाएगा आप उस पर बात कर लीजिएगा, और अपना रेट जो है वहीं से आप फाइनल कर सकते हैं कि किस रेट में आपको मिट्टी कटवाना है। उससे क्या होगा कि आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, और जिनको मिट्टी का ज़रूरत है उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे और उनका भी काम हो जाएगा। अगर आप मिट्टी कटाने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ कमेंट कीजिए और अपना नाम, ताकि आपको अप्रोच किया जाएगा। और यार ज़मीन का ज़रूरत तो 10 बीघा के आसपास का है, पर अगर आपके पास उससे कम 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन का भी अगर आप मिट्टी कटवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नंबर के साथ और एड्रेस ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि आपको अप्रोच किया जाएगा। तो चलिए बाकी आप वीडियो में आगे बने रहिए। कन्फ्यूजन होता है, हालांकि आपको चौराहा नाम से वीडियो आपके सामने है भी, तो आप देख सकते हैं। मार्केट जाने के लिए जहाँ से भी जो पुराना वाला पहले वाला जो रोड है नीचे से उतर के जाना पड़ता है, वो वाला भी है। बाकी आपको ना यहाँ पे बहुत सारा लाइन होटल्स मिलेगा, आप आते जाते हैं यहाँ पे, तो आपको खाने वाने के लिए रात की रात जितना भी ट्रक वर्क वाला है वो सब तो इधर ही दिखता है। और ये देखिए जिसके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं जिस रोड के नाम से, NH 83, देखिए यही NH 83 कैफे है। ये आपका अभी ऑन है NH 83 कैफे मसौड़ी। आपका जैसे ही मसौड़ी से बाहर निकलेंगे जहानाबाद जाने के क्रम में, वहीं पर आपको NH 83 कैफे मिलेगा। हालांकि यहाँ का रिव्यू कैसा है वो अभी दिए नहीं है, कभी आपको ज़रूर आपको NH 83 कैफे का आके टेस्ट किया जाएगा किस टाइप का इसका खाना है या जो भी हो। यहीं से आगे निकलने के बाद देखिए जहाँ पर आबादी है उतार चढ़ाव का, वहाँ पर एक बस स्टॉप किया गया। देखिए यही वाला रोड जो है आपको ओकरी तरफ जाती है, आपको काजीरगंज की तरफ जाएगी, ये भी वाला रोड यहाँ से कनेक्ट करके जाती है। बाकी यहाँ से हम सीधा अब एकदम आपको नदौल में मिलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं छोटकी मसौड़ी हॉल्ट के थोड़ा सा आगे, जहाँ पे जो टर्न है कर्व है यहीं पर भी कुछ होटल्स वगैरह है, और देखिए यहाँ पर लाइन होटल है जो कि ट्रक व्रक खड़ी रहती है रात को यहाँ पर, ये भी होटल है, वेटरिन तो होटल है यहाँ पर भी। यहाँ पे सामने एक मिठाई कचौड़ी का दुकान भी खुला, पहले नहीं था। और बाकी लाइन होटल है, और ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपको होटल है वो बुद्धा होटल है, बुद्धा रेस्टोरेंट, और एकदम जस्ट अपोजिट पेट्रोलियम पंप के पास है। और देखिए भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, जो कि आप जैसे ही छोटकी मसौड़ी से बाहर निकलेंगे तो ये वाला पेट्रोल पंप है। और ये देखिए बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट है, जो कि एकदम इसका अपोजिट में है। पेट्रोल पंप का अपडेट आपको इसलिए देते हैं NH 83 के साथ साथ कि आदमी जब भी इधर से गुजरे तो जब तेल वेल ख़त्म हो जाए तो आदमी को पता रहे कि हाँ पेट्रोल पंप कहाँ पर है, तो आदमी पेट्रोल अपना डलवा लेता है, तो आपको यात्रा करने में आसान हो जाता है। ये
एक नया पेट्रोल पंप आपको चिनेरी हॉल के पास सामने में है। वैसे चिनेरी चिनेरी के आस पास आप पहुँचिएगा। इंडियन ऑयल का नया पेट्रोल पंप अभी खुल ही रहा है, लेकिन पहले से बन रहा था, अभी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहीं पर आगे में एक चेक पोस्ट है जो कि नदौल से पहले है, और यहाँ पर अगर आते हैं आप तो थोड़ा सावधानी चाहिए। हालांकि हेलमेट भी लगा के आइए, कभी कभी हेलमेट भी चेकिंग करना स्टार्ट करता है। और अभिनंदन रेस्टोरेंट भी यहीं सामने में है। मोस्टली यहाँ पर जो शराब तस्करी है उसके लिए चेकिंग पोस्ट लगाया हुआ रहता है। हालांकि अभी कल भी कोई पुलिस नहीं था, और उसका न होने का कारण यही था कि अभी जो एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का सारा पुलिस का ड्यूटी दो जगह लगा हुआ है। यहाँ का देखिए नदौल में NH-83 का अपडेट यही है। यहाँ तो मार्केट से थोड़ा सा पहले से क्रॉस कराई है, बाकी जो रोड का चौड़ीकरण है यहाँ लगभग कंप्लीट है। साइड साइड में भी आप देख रहे हैं सब नाला पानी निष्कासन के लिए बनाया जा रहा है। और ये सब घर भी देख रहे हैं टूटा फूटा, ये सब पहले ही तोड़ा गया जब NH-83 का चौड़ीकरण होने के बाद हुआ था, तब तो ही तोड़ा गया था। जब से NH-83 बना है तब से समझिए कि नदौल एकदम खाली खाली दिखता है। नदौल मार्केट पहले ही सब में थोड़ा सा घर भी था, आगे तरफ से लगता था कि हाँ अभी क्या है। जैसा कि देखिए जितना भी आपको नक्शा दिख रहा होगा सब तोड़ा हुआ है, टूटा हुआ घर का भी निशानी है। और ये सब जो आप लग रहा है पिलर देख रहे हैं, ये सब पिलर शायद रेलवे का जो ओवर ब्रिज है ना, वो डायरेक्ट वहाँ से जो ओवर ब्रिज है शायद ऐसे होते हुए यहाँ पर आएगा। यही सब जो गार्डर है लंबा लंबा शायद रेलवे का ओवर ब्रिज के लिए ही बनाया जा रहा है मे बी। तो गाइस अभी हम प्रवेश कर रहे हैं जहानाबाद जिला में, यही बाउंड्री है। तो यहीं पे बाउंड्री है जो कि पटना और जहानाबाद जिला का बॉर्डर है। यहीं से इस तरफ जो हम लोग आगे जा रहे हैं जहानाबाद जिला है, और पीछे जो था वो पटना जिला था। सो गाइस ये रहा छोटी सी NH-83 की जानकारी। फिर से मिलते हैं आप एक नए वीडियो में और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।